तो हम पहुंचे हैं फुकेट में और हमने डिसाइड किया पेटोंग बीच के पास कोई रिसोर्ट लेने की। तो हमने दो रिसोर्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक अमारी फुकेट और एक कोर्टयार्ड बाय मैरियट फुकेट पेटोंग बीच। तो आइए देखते हैं इन दोनों रिसोर्ट में से कौन सा इज बेटर फॉर अ फैमिली स्टे इन फुकेट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, फूड, रूम एंड एक्टिविटीज दे प्रोवाइड। तो ये है अमारी फुकेट का रिसेप्शन और ये है कोर्टयार्ड बाय मैरियट फुकेट का रिसेप्शन। दोनों ही ब्यूटीफुल है इंटीरियर वाइज और सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं एंड फेमस हैं इंडियन कम्युनिटी में बिकॉज दे सर्व वेजिटेरियन फूड और यहाँ पे काफ़ी इंडियंस आते हैं। तो अब बात करते हैं दोनों की लोकेशन की। अब आप इनकी लोकेशन इस तरह अच्छे से समझ पाएंगे, ये है फुकेट और ये है पेटोंग बीच और यहीं है उंगसेलोन, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रहा कोर्टयार्ड फुकेट। इसकी टू एंट्रीज है, एक पीछे से और एक आगे से। पीछे वाली जो एंट्री है वो देखिए बिल्कुल सामने है पेटोंग बीच के, मतलब आप जस्ट वॉक करेंगे और फ्रंट में ही मिलेगा आपको बीच। दूसरी जो एंट्री है उसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगी मार्केट, जहाँ पे सब खाना, मेडिकल शॉप, टैक्सी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल दूसरे गेट से। अब हम जाते हैं अमारी फुकेट की तरफ। तो ये देखिए पूरा डिस्टेंस आपको वॉक करके यहाँ पर जाना पड़ेगा अमारी फुकेट। ये भी थोड़ा अपहिल है तो आपको अपवर्ड्स वॉक करना पड़ेगा जो और टायरिंग है। अगर आप यहाँ से मार्केट की तरफ टुक टुक करते हैं तो आपको पड़ेगी 200 थाई बाट्स की। ऐसे देखने में अमारी फुकेट बिल्कुल बीच पे लगता है बट वहाँ पर कोई बीच नहीं है और आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा बीच के टूवर्ड्स। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या क्या ऑफर कर रहे हैं दोनों रिसॉर्ट्स। ये है कोर्टयार्ड फुकेट, यहाँ पे काफ़ी सारे स्विमिंग पूल्स हैं, लाइक 3 और 4। ये एक स्मॉल स्विमिंग पूल है, इसके आगे चलते हैं जहाँ पे आप आराम से अपने लेग्स डिप करके इवनिंग में काफ़ी देर तक बैठ सकते हो। यहीं पास में म्यूज़िक इवेंट्स वगैरह भी चलते हैं तो वो अच्छी वाइब आती है नाइट में। उसके आगे है थोड़ा एडल्ट का स्विमिंग पूल एंड उस स्विमिंग पूल के साथ आपको बार भी मिल जाएगा। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सभी कुछ एक लेवल पर है तो किड्स कैन ईजली रोम अराउंड और इतना ऊपर नीचे नहीं है कि किड्स को कुछ चोट वोट लग जाए। ये देखिए सब कुछ एक लेवल पर है, आपको ईजली टॉवल्स मिल सकते हैं, बेंचेस रखे हुए हैं चिल करने के लिए या सनबाथ लेने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बार दूसरे स्विमिंग पूल का और अब ये है थर्ड स्विमिंग पूल। इसमें पूरी फैमिली काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकती है। कोर्टयार्ड फुकेट थोड़ा ओवर क्राउडेड रहता है अभी क्योंकि मैं दिन के टाइम पे आई हूँ तो खाली लग रहा है, बट आपको ऐसे अगर पीस वाली और थोड़ा सॉलिट्यूड चाहिए, आराम से रिलैक्स करना है तो ये रिसॉर्ट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी चहल पहल रहती है, फैमिली ज़्यादातर आती हैं। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, पूरा इंजॉय करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं और वाटर पार्क का फन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। एंड ट्राई कीजिए कि आपको स्विमिंग पूल के पास वाले ये रूम्स मिल जाएं ताकि आपके लिए सब कुछ ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो। हमने थोड़ा बाहर की तरफ रिसेप्शन के जस्ट ऊपर रूम लिया था तो हमें काफ़ी वॉक करना पड़ता था फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। अब ये है वाटर पार्क, ये यहाँ का बेस्ट एंड USP ऑफ द रिसोर्ट अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे। आइए देखते हैं, किड्स आर रियली एक्साइटेड टू गो टू वाटर पार्क। ये किड्स एरिया है, यहाँ पर हम बाद में चलेंगे। टेबल टेनिस टेबल भी दी हुई है। अगर आपको अपने बच्चों को लीव करके रिसोर्ट के बाहर कहीं जाना है तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है, देर आर बेबी सिटर्स बट एट एडिशनल कॉस्ट। चलिए तो देखते हैं वाटर पार्क। यहाँ पे दो वाटर पार्क्स हैं, एक फॉर द किड्स, स्मॉल किड्स लाइक टॉडलर, और एक बड़ा वाटर पार्क है फॉर बिग किड्स एंड एडल्ट्स। ये देखिए, वाओ, इसमें स्लाइड है फॉर स्मॉल किड्स एंड व्हील है, शार्स है, यू कैन सिट अराउंड एंजॉय योर विद योर फैमिली। और दूसरी तरफ बिग वाटर पार्क भी है जहाँ पे बिग स्लाइड्स हैं। तो अगर आप ये रिसॉर्ट लेते हैं और अपना शेड्यूल बहुत टाइट रखा हुआ है आपने, आप इसी की फैसिलिटीज इंजॉय करने का भी आप पे टाइम नहीं है तो ये थोड़ा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज जब ये रिसॉर्ट दे रहा है तो थोड़ा सा टाइम, लाइक एक इवनिंग आपने जैसे फ्री रख ली अपनी या फिर अपनी मॉर्निंग्स, तो बहुत आप इंजॉय कर सकते हो ये फैसिलिटी।
द वाटर पार्क एंड किड्स प्ले एरिया बोथ आर ओपन टिल 6 PM, बट स्विमिंग पूल काफी लेट तक ओपन रहता है, तो इसके बाद आप स्विमिंग पूल में जा सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं किड्स प्ले एरिया। ये है कोर्टयार्ड फुकेट का किड्स प्ले एरिया। यहाँ पे भी आपको प्ले स्टेशन मिल जाएगा एंड नॉर्मल प्लेइंग स्टफ। अब आते हैं अमारी फुकेट में। ये है उनका रिसेप्शन एरिया। यहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा अपहिल पे था जैसे मैंने बताया, और बीच के बिल्कुल पास है, इनफैक्ट बीच पर ही है, इसलिए यहाँ से आपको एक अमेजिंग व्यू मिलता है। ये है इनका बार एरिया, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत ड्रिंक कर सकते हैं और चिल मार सकते हैं, व्यू का इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे दोनों ही रिसॉर्ट की फील बिल्कुल अलग है। एक है फैमिली इंजॉयमेंट वाटर पार्क फन, दूसरा है थोड़ा रिलैक्सिंग, स्पा वगैरह है, व्यू का इंजॉय, और थोड़ा लाइक आप कपल के साथ हो, रोमांटिक। बट किड्स के साथ ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी अप डाउन मल्टीपल लेवल्स पे बनाया हुआ है, तो दे कांट रोम अराउंड, दूसरा वो बोर हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए रिसेप्शन के नीचे आपको, एक लेवल नीचे आपको मिलेगा स्विमिंग पूल। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल है, अनलाइक कोर्टयार्ड फुकेट। तो अगर आपकी थोड़ी लेट बैक वेकेशन है, रिसॉर्ट पे स्टे करना है, बस व्यू का एंजॉय करना है एक ड्रिंक हाथ में लेकर, तो ये परफेक्ट रिसॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा लोग इतने भी नहीं होते, सिटी से थोड़ा अलग है, शांति है यहाँ पर। तो आइए अब नीचे जाके हम स्विमिंग पूल देखते हैं। ये है इनका स्विमिंग पूल, और यहाँ से भी व्यू कमाल का आता है। हाँ, बट मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल है, और वो है ये। कोई किड्स पूल एरिया अलग से नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं हम किड्स प्ले एरिया की तरफ। जैसे मैंने पहले बोला है, ये काफ़ी ऊपर नीचे है, और इसी वजह से वर्धम को चोट भी लग गई थी। ये है इनका स्पा, और इधर है किड्स प्ले एरिया। किड्स प्ले एरिया स्टार्ट्स अराउंड 10 एंड क्लोजेस बाय 7। वही सब फैसिलिटीज़ हैं किड्स प्ले एरिया में। बेबी सिटर इज़ अवेलेबल एट एक्स्ट्रा चार्जेस। नाइट में भी यू कैन गेट अ बेबी सिटर, बट ये प्ले एरिया इज़ बिगर देन कोर्टयार्ड फुकेट, एंड बेबी सिटर के चार्जेस आर आल्सो लोअर देन कोर्टयार्ड फुकेट। एक सेकेंड, अभी ये आपको ज़्यादा फैला हुआ लग रहा होगा प्ले एरिया, मैं आपको ये क्लीन वाला दिखाती हूँ। ये देखिए अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ का प्ले एरिया फॉर श्योर बच्चों ने ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ पे ज़्यादा इंटरैक्टिव गेम्स है और थोड़ा बड़ा है, प्लस कोर्टयार्ड फुकेट फुल्ली पैक्ड था, तो ऑब्वियसली किड्स भी ज़्यादा थे किड्स प्ले एरिया में। यहाँ पे 2-3 बच्चे थे खाली, तो उनको ज़्यादा टॉयज़ वगैरह मिल पाए एंड दे कुड इन्जॉय मोर। मॉर्निंग में जल्दी आएंगे। हम बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे पहुँचे थे यहाँ पर, और रिक्वेस्ट करने पे 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए जेनी को। और ये प्ले स्टेशन यहाँ पर भी हैं। चलो ये तो हुई किड्स की बात। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, तो हमारी फुकेट इज़ फॉर यू। यहाँ पे आपको ऐसे स्विंग्स और काफ़ी लोकेशन ऐसी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप रील शॉट्स, काफ़ी ब्यूटीफुल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। एनीवेज, अब हम चलते हैं रूम टूर पे। दोनों रिसॉर्ट्स के रूम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा रूम ज़्यादा बेटर है। ये है कोर्टयार्ड फुकेट का रूम 6307, जो कि रिसेप्शन के जस्ट ऊपर था और बाकी फैसिलिटीज से थोड़ा दूर था। तो ये है हमारा रूम। ये बेसिक एमिनिटीज सारी हैं इसमें अवेलेबल। थोड़ा छोटा रूम है, बट विद किड्स भी सफिशिएंट है। ये जिस भी होटल रूम में इतना बड़ा मिरर मिलता है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। एक बड़ा मिरर तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। क्या वॉशरूम के अंदर जा के आप उस मिरर में मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो छोटी सी स्पेस में। दिस सोफ़ा वॉज सफिशेंट फॉर अ किड, लाइक वर्धम वॉज स्लीपिंग ऑन दिस सोफ़ा, और हमें एक्स्ट्रा बेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको पूरा रूम एक लुक में दिखाती हूँ। ये देखिए टीवी, वन टेबल एंड बेसिक एवरीथिंग इज देयर। अब इंडिया जैसे बड़े बड़े रूम तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आपको थोड़ा इस टाइप के रूम्स ही मिलेंगे। और ये है यहाँ की बालकनी से व्यू। व्यू तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा मार्केट के टूवर्ड्स फेसिंग रूम मिला था, तो बस यही गाड़ी वाड़ी और बिल्डिंग्स दिख रही हैं। बट मे बी बीच के फेसिंग जो रूम्स होते होंगे वो बेटर व्यू होता होगा फॉर श्योर। तो व्यू के रिस्पेक्ट में तो ये रिसॉर्ट ने पॉइंट गंवा दिया एंड इट गोज टू अमारी फुकेट विदाउट एनी डाउट। बट एक्टिविटीज़ में कोर्टयार्ड फुकेट ने एक पॉइंट लिया है फॉर श्योर, एंड लोकेशन में भी कोर्टयार्ड फुकेट ने लिया है क्योंकि वो बोथ कनेक्टिंग है, उससे मार्केट भी कनेक्टेड है और उससे बीच भी कनेक्टेड है। ये है उसका वॉशरूम, वॉशरूम में टब है और बेसिक अमेनिटीज हैं। तो ठीक था, रूम ने तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और अब हम देखते हैं हमारी फुकेट का रूम। ये ऐसे ऊपर नीचे कहीं जाकर उनका रूम आया है। ग्रीनरी इज़ वेरी मच देयर, जो थोड़ी कोर्टयार्ड फुकेट में कम थी। हमारा रूम नंबर वॉज 1109 एंड इट वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द लेक, लेक व्यू, ओशन व्यू जो भी। क्या व्यू आ रहा है अनेत, ओ अमेजिंग। तो रूम में एंटर करते ही आपको व्यू दिखेगा और आप अट्रैक्ट हो जाओगे डायरेक्टली रूम से व्यू देखने के लिए। है ना अमेजिंग। अगर आप कपल आए हैं तो यहाँ पर बालकनी में बैठकर रूम का घंटों तक एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप किड्स के साथ आए हो तो भूल जाओ कि वो आपको एंजॉय करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर है ओनली ग्लास पैनल्स एंड नो रेलिंग और आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। एनीवेज हमारा रूम टूर तो रह ही गया व्यू के चक्कर में। ये देखिए, दिस इज़ द रूम, वेरी मच लाइक कोर्टयार्ड फुकेट, ओनली कुछ कुछ सिमिलर सा ही रूम है दोनों का। और अब देखिए वॉशरूम, बाथटब इज मिसिंग हेयर, बाथरूम थोड़ा छोटा है कंपेयर टू द अदर रिसॉर्ट। और यहाँ पर मिरर भी नहीं था बाहर, तो वो ही बाथरूम के अंदर मेकअप करना पड़ा स्वेटिंग के साथ। एनीवेज जो अमारी फुकेट का सबसे बड़ा यूएसपी है वो है इसका व्यू। बस यही देख लो, इसी के लिए आपने पैसे दिए हैं। एनीवेज वी कम टू फूड। ये है कोर्टयार्ड फुकेट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है रेस्टोरेंट में, तो इसलिए आप टाइमली आइए ताकि आपको सब कुछ मिल जाए एंड यू कैन एंजॉय योर ब्रेकफास्ट राइट। वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन इंडियन फूड भी मिल जाएगा। और ये है अमारी फुकेट का रेस्टोरेंट, जिसको जहाँ आप इनडोर भी और आउटसाइड भी दोनों जगह बैठ सकते हैं। और बहुत बड़ा स्प्रेड है यहाँ पर, और क्योंकि ऑब्वियसली लोग कम हैं तो आप ज़्यादा चेरिश कर पाते हो इतना बड़ा बुफे। वो अदरवाइज़ कोर्टयार्ड फुकेट का भी कम बड़ा नहीं था, बट इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड था वो कि आपको कम दिख रहा था, मीन्स यू गॉट द फील ऑफ इट राइट। इंडियन बुफे अलग से बाहर उन्होंने अरेंज किया है, यहाँ पर पूरा कॉन्टिनेंटल है, यू हैव वैरायटी ऑफ सैलड्स, ड्रेसिंग्स एंड किड्स मेन्यू अलग से है, वो साइड में डिस्प्लेड है। तो दोनों ही रिसॉर्ट में हमें एज अ वेजिटेरियन कोई दिक्कत नहीं आई, प्लस किड्स मेन्यू भी दोनों में ही अवेलेबल था। बट यहाँ का व्यू और एक एम्बियंस जिसमें आप खाते हो वो एक अमेजिंग है, उसका प्लस पॉइंट जाता है नो डाउट अमारी फुकेट को। होपफुली आपको अपना रिसॉर्ट डिसाइड करने में इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।